नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इसमें टॉपिक है प्रकाशीय सेल अथवा सौर सेल, यानी कि प्रकाशीय सेल या फिर इसी को बोलते हैं सौर सेल। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है सौर सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में करती है, यानी कि प्रकाशीय सेल जो है वह युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि परिवर्तित किया जाता है। तो वही इसमें लिखा गया है कि सौर सेल जो है वह युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में किया जाता है। इसके बाद है बनावट। तो बनावट में ध्यान दीजिए, ये इसका परिपथ तैयार किया गया है। तो ये प्रकाशीय सेल का परिपथ यहाँ पर तैयार किया गया है। बाकी इसकी आकृति कैसी होती है, यानी कि इसकी बनावट कैसी होती है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। तो ये होता है प्रकाशीय सेल। तो ध्यान दीजिए, ये इसकी ऊपरी सतह दी गई है और यहाँ पर ये दिया गया है धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड। तो ये जो ऊपर वाला भाग ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड। और इसमें दो भाग होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है पक्ष स्पर्श, यानी कि यहाँ पर ये दोनों जहाँ पर स्पर्श करते हैं। बाकी ये आपतित फोटान, यानी कि प्रकाश जो आपतित होगा वो दिखाया गया है एच न्यू। बाकी ये जो है इसका परिच्छेद यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, यानी कि जैसा यहाँ कि एन और पी दो प्रकार के यहाँ पर अर्धचालक जुड़े होते हैं, यानी कि पी एन संध डायोड का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये इसका परिच्छेद दिखाया गया है। बाकी ये जो है ये यहाँ पर प्रकाशीय सेल का संकेत है। तो ये प्रकाशीय सेल का संकेत है और ये प्रकाशीय सेल है, बाकी ये इसका परिच्छेद दर्शाया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसको बनाने के लिए जो है, यानी कि सौर सेल को बनाने के लिए जो है कांच का एक निर्वातित बल्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है एक पीएन संध डायोड रखी जाती है। तो ध्यान दीजिए, सौर सेल बनाने के लिए कांच का एक निर्वातित बल्ब प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें जो है एक पीएन संध डायोड रखी जाती है। और इसे बनाने के लिए सामान्यतः जो है सिलिकॉन की 30 माइक्रोमीटर की एक परत लेते हैं, सिलिकॉन की 30 माइक्रोमीटर की एक परत लेते हैं और उस परत पर लगभग 0.3 माइक्रोमीटर मोटाई की जो है एक अन्य परत जो है वो वाष्प द्वारा बनाते हैं। तो इस प्रकार पीएन संध डायोड में जो है अपेक्षाकृत अधिक से अधिक डोपिंग की जाती है। तो वही आपको बनावट में लिखना है, तो ध्यान दीजिए। बाकी यहाँ पर ये इसका परिपथ तैयार किया गया है, इससे आपको क्रियाविधि आसानी से समझ में आएगी। तो ध्यान दीजिए बनावट। तो बनावट में दिया गया है कि सौर सेल बनाने के लिए कांच का निर्वातित बल्ब प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें एक पीएन संध डायोड रखी जाती है। इसे बनाने में सामान्यतः सिलिकॉन की लगभग 30 माइक्रोमीटर की एक परत लेते हैं तथा इस परत पर लगभग 0.3 माइक्रोमीटर की मोटाई की एक अन्य परत जो है वो वाष्प द्वारा बनाते हैं। इस प्रकार पीएन संधि बनाने में डोपिंग भी अपेक्षाकृत अधिक की जाती है। तो इसमें बताया गया कि सौर सेल बनाने के लिए जो है कांच का एक निर्वातित बल्ब लेना है आपको और उसमें पीएन संधि रखी जाएगी और इसे बनाने के लिए सामान्यतः सिलिकॉन की जो है लगभग 30 माइक्रोमीटर की एक परत लेते हैं और उस परत पर जो है 0.03 माइक्रोमीटर मोटाई की एक वाष्प की परत बना लेते हैं। इस प्रकार जो पीएन संधि बनाने में जो है डोपिंग भी अपेक्षाकृत अधिक की जाती है। और डोपिंग जो है इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताई गई है, यानी कि डोपिंग किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद है कार्यविधि। तो कार्यविधि के लिए आप परिपथ ध्यान दीजिए पहले। तो यहाँ पर ये इसका परिपथ दिया गया, जिसमें ये पी टाइप और ये एन टाइप दो क्षेत्र दिए गए हैं इसमें आपको। तो जो पी टाइप दिया गया है, जब इस पर जो है कुछ निश्चित ऊर्जा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटान जो है इस पर आपतित होते हैं, तो जब फोटान इस पर आपतित होते हैं तो वे सीधे जो है संध तक पहुंच जाते हैं, यानी कि वे सीधे पीएन संध तक पहुंच जाते हैं। और जब वे पीएन संध तक पहुंच जाते हैं तो संध के समीप जो सहसंयोजक बंध होता है वो टूट जाता है, और जब सहसंयोजक बंध टूट जाता है तो बहुत अधिक संख्या में जो है कोटर और चालक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। और जब कोटर और चालक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं
तो ये बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है संधि को पार करने लगते हैं, यानी कि पी टाइप के कोटर जो है वो एन टाइप में, और एन टाइप के चालक इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप में जाने लगते हैं, यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो संधि को पार करने लगते हैं। और जब वे संधि को पार करने लगते हैं तो बाह्य परिपथ में जो है कोटरों की दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसमें बताया गया कि जब पी टाइप परत पर कुछ निश्चित ऊर्जा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन जो है जब आपतित होते हैं तो वे सीधे जो है वो संधि तक पहुंच जाते हैं। तो संधि के समीप जो सहसंयोजक बंध होता है वो टूट जाता है, और जब सहसंयोजक बंध टूट जाता है तो बहुत अधिक संख्या में कोटर और चालक इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और जब ये बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है संधि को पार करते हैं, यानी कि पी टाइप के कोटर एन टाइप में और चालक इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप में जाने लगते हैं, तो जब ये बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है संधि को पार करते हैं तो बाह्य परिपथ में कोटरों की दिशा में, तो बाह्य परिपथ में जिस दिशा में कोटर गति करते हैं उस दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो वही आपको क्रियाविधि में अब लिखना है, तो अब ध्यान दीजिए। तो वही कार्यविधि में लिखा गया है, जब पी टाइप परत पर कुछ निश्चित ऊर्जा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन आपतित होते हैं तो सीधे ही पीएन संधि तक पहुंच जाते हैं, जिससे संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाने से बहुत अधिक संख्या में कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। जब ये बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि को पार करते हैं तो बाह्य परिपथ में कोटरों की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।